हरे कृष्ण राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी भक्त अपने घर में अपने परिवार में सुख समृद्धि शांति से सब अपने घर में रहे, हम यही चाहेंगे। वृंदावन में तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आप सभी भक्त काफ़ी भक्त लाखों की मात्रा में भक्त बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है बिहारी जी के मंदिर में। लोग दूर से ही बिहारी जी के सिर्फ आँखों के दर्शन करके वहाँ से चले जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। बस उनके आँख मात्र देखकर ही बिहारी जी की सारे भक्त खुश हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। बिहारी जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है, जितने भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। और देखिए, बहुत जिनकी भी मनोकामना, जो मनोकामना लेकर बिहारी जी के पास आते हैं, वो सब बिहारी जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और कुछ और बहुत से सभी भक्तों पे उनकी कृपा रहती है, लेकिन कुछ भक्तों के ऊपर जो बिहारी जी की कृपा हुई है, वो उनकी कुछ घटनाएं जो घटित हुई है उनके साथ, बिहारी जी का जो चमत्कार हुआ है वो हम तक, कुछ लोगों तक पहुंचा है। उसी एक घटना का आज मैं आपके सामने जाहिर करने वाली हूँ, उस घटना को, जो किसी एक भक्त है जो कि पंजाब में रहते थे, मोगा उनका सरनेम था, और वो यहाँ पर, ये सच्ची घटना है, एक 4-5 साल पहले की घटना ये हुई है यहाँ पे वृंदावन में, कि जो बहुत भक्त थे बिहारी जी के, तो वो बिहारी जी मंदिर आए थे बिहारी जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे कुंज अपने गलियाँ हैं बिहारी जी मंदिर की, तो वहाँ पे ही एक अखंड धाम करके एक आश्रम है, वो वहाँ पे रुके हुए थे। और वहीं पे बगल में एक हरि वल्लभ जी के नाम से एक डॉक्टर थे जिनका क्लिनिक था। तो अब 8-10 दिन हो गए थे उनको आकर, रोज वो बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। तो इतने 8-10 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर काफ़ी फुंसियाँ आ गई थी, उनका सारा चेहरा फुंसियों से भर गया। तो वो वहीं पास में जो हरि वल्लभ जी का जो क्लिनिक था, वो वहाँ पर गए और उन्होंने बताया कि मुझे ये तकलीफ़ हुई है। उन्होंने देखा और उनको कुछ दवाइयाँ दिए। अब उन्होंने 4-5 दिन वो दवाइयाँ ली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब वो वहाँ पे श्री कृष्ण, वहाँ पे एक सेवा धाम था, मतलब एक हॉस्पिटल था, वो वहाँ पे गए, श्री राम कृष्ण करके, तो वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे इलाज शुरू किया अपना। लेकिन वहाँ पे भी इलाज किया, लेकिन कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो डर गए कि क्या बात हो गई। तब वो फिर से उसी हरि जी के पास गए उनके क्लिनिक में, और उनसे उन्होंने आग्रह किया कि बस आप ही कुछ कीजिए और मेरा आप इलाज कीजिए, और इस जो पीड़ा हो रही है मुझे, जो फुंसियाँ आए हैं, इनको आप ही ठीक कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 4-5 दिन उनका इलाज किया, लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं पड़ा। तब उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में अखिल भारतीय करके एक सेवाश्रम है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाइए, आयुर्वेद हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप बताइए, तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। उनका ये सुनकर तो वो बहुत निराश हो गए, क्योंकि वो वृंदावन बिहारी जी के इधर कुछ दिन रहने के लिए आए थे, तो वो वापस जाना नहीं चाहते थे। अब दूसरे दिन सुबह वो फिर से हरि जी के पास मिलने के लिए गए। अब जैसे वो हरि जी के पास हॉस्पिटल, उनके क्लिनिक पहुँचे, तो वो डॉक्टर उन्हें देखकर तो हैरान हो गए कि उनके चेहरा जो फुंसियों से भरा हुआ था, वो थोड़ा सा उसमें ठीक हो गया था, वो ऐसे फ्रेश लग रहे थे थोड़े। तो उन्होंने पूछा कि अरे, आपके चेहरे तो थोड़ा ठीक हो गया है, कल तक तो कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था, तो ये अचानक कैसे हुआ? तब उन्होंने बताया कि जब कल मैं आपके पास आया था, आपने मुझे दिल्ली जाने के लिए कहा, तो मैं बहुत निराश हो गया था और मैं उसी वक्त बिहारी जी मंदिर गया,
बिहारी जी के सामने वो भक्त खड़े रहकर बिहारी जी से कहने लगा कि मैं इस वृंदावन में आया हूँ आपकी भक्ति करने के लिए, मुझे यहाँ पे रहना है, कुछ दिन आपके साथ रहना है, आपको देखना है, मुझे यहाँ पे भक्ति करनी है। तो मेरे से ऐसे बिहारी जी क्या अपराध हो गया जो आपने मुझे ऐसी पीड़ा दे दी, ऐसी पीड़ा दे दी, और मैं अब मुझे ये हॉस्पिटल में, नरक में आप क्यों भेजना चाहते हो, ऐसे मेरे से क्या गलती हो गई। बिहारी जी मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन मुझे आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मुझे आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए लेकिन आप मेरे इस दर्द को आप ठीक कीजिए, मुझे आपके पास रहना है, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे बस आपके चरणों में रह के आपकी भक्ति करनी है। ऐसे कुछ देर में खड़े रहकर बिहारी जी से मैंने उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं घर चला गया और जाकर सो गया। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे चेहरा मुझे एकदम अच्छा लग रहा था, मुझे फ्रेश लग रहा था, और मैंने अपने चेहरे को देखा तो मेरे चेहरे भी थोड़ा पहले से थोड़ा ठीक हो गया था। तो ये बात उन्होंने वो डॉक्टर से कही। ये बात सुनकर तो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए और उन्होंने और 4-5 दिन उनका इलाज किया और जितना उनकी तकलीफ थी वो सारी ठीक हो गई, उनका चेहरा एकदम अच्छे से फ्रेश हो गया। अब वो हरी जी जो डॉक्टर थे उनके आँखों में जैसे आंसू आ गए और वो ये सोचने लगे कि हमारे बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं भक्तों पे, किसी भक्त को निराश होने नहीं देते। अब वो भक्त इतनी भक्ति से यहाँ पे आया था और उसके सामने ऐसे उसके पीड़ा हो गई, लेकिन बिहारी जी ने इतनी कृपा कर दी कि उसके दर्द को ही मिटा दिया, जो डॉक्टर नहीं कर सके वो बिहारी जी ने किया, और उसका जो सपना था वहाँ रहने का, बिहारी जी की भक्ति करने का, वो भी बिहारी जी ने पूरा किया। तो देखिए ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो भक्तों को ऐसा नहीं है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होती, वो तकलीफ़ भी देते हैं लेकिन उसमें से उस तकलीफ़ में से निकालते भी वही है, परीक्षा तो लेते हैं लेकिन परीक्षा में पास भी वही करते हैं। तो ऐसे हमारे हैं बिहारी जी। देखिए तो ऐसे काफ़ी भक्त हैं यहाँ पे, काफ़ी ऐसी सच्ची घटनाएं लोगों के साथ घटित हुई है, काफ़ी भक्तों के साथ ये छोटी 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 ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी लोगों के साथ घटित हुई है, और उसमें से ये एक जो हमें पता चली है वो मैंने आप सबको बताई। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है चमत्कार जो बिहारी जी ने किया है। तो अगले इसमें मैं आपको फिर एक कोई अच्छी सच्ची घटना आपको सुनाऊंगी। हरे कृष्ण राधे राधे।